मृत्यु एक अटल सत्य है। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे मृत्यु अटल है। एक राम सेवक नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं स्वविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं दो बच्चे थे। सभी से वह बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और रामसेवक अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। रामसेवक भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उसने अपने विचारों को बांटता था। एक दिन रामसेवक के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी रामसेवक को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। रामसेवक ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर रामसेवक नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा, गुस्से में उसे कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। रामसेवक ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। रामसेवक झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। दो दिन तक भटकने के बाद भी रामसेवक को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं उसकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद रामसेवक के पिता स्वर्ग सिधार गए। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, ये एकमात्र कहानी ही नहीं है, ये सत्य है, मृत्यु अटल है। प्लीज़ दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।